अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। पाकिस्तान के पूरे सर्किट में ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो डिफिकल्ट कंडीशन में, मुश्किल तरीन सूरत हाल में, छह बॉल्स के ऊपर यानी कि एक ओवर के अंदर 20 रन बना के आपको दे दे। आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पूरे सर्किट में ऐसा बल्लेबाज होता सिवाय आसिफ अली के, आज आसिफ अली का नाम क्यों ले रहा हूं जी, आगे आपको मैं मेंशन करके बताऊंगा। जी हां, अगर आपके पास पावर हिटर्स होते तो शादाब खान सुपर ओवर के लिए सिलेक्ट ना होता, शादाब खान पावर हिटर के तौर पर इस्तेमाल ना होता। शादाब खान पावर हिटर थोड़ा ही है, इफ्तिखार फखर जमान और भाई आपको करने चाहिए थे 20 रन सुपर ओवर। जो सूरत हाल बनी, जो हारिस रौफ ने मैच का बेड़ा गर्क किया, वो एक साइड के ऊपर है। मोहम्मद आमिर ने भी जो एक्स्ट्रा दिए हैं 7-8 रन, मैच तो उसी से निकल गया था, लेकिन 15 रन हारिस रौफ ने नहीं बनने देने चाहिए थे। ये है सबसे बड़ी यानी कि रियलिटी। लेकिन आपके पूरे सर्किट में ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो आपको 20 रन बना दे एक ओवर के अंदर। आजम खान के ऊपर ट्रस्ट होता तो उसको ओपनिंग करवाते ना, पता चलता कि पहली तीन बॉल के ऊपर छक्के उठा के मारता। आसिफ अली का क्यों नाम लिया है, क्योंकि इस बंदे ने करके दिखाया हुआ है। उसकी हां इतनी काबिलियत है और देखी है हर बंदे ने काबिलियत आसिफ अली की। लेकिन हमारा पीछे डोमेस्टिक सर्किट उठा के देख ले, कोई ऐसा बल्लेबाज हम पीछे पता नहीं कोई 10 साल हो गए तैयारी नहीं कर पाए। और यार इंडिया को इमेजिन करो, रोहित शर्मा ने वो न्यूजीलैंड में जब सीरीज हुई थी ना, बंद ने 2 मरतबा 20 के टारगेट चेज करके दिखाया था और बैक टू बैक मैचेस के अंदर सुपर ओवर हुआ था। और जहां पे आपने जो हालत देखी आपके सामने ही है, इस डिफेंसिव माइंडसेट के साथ, इस अप्रोच के साथ पाकिस्तान वर्ल्ड कप तो बहुत दूर की बात है, सुपर 8 में क्वालिफाई तक नहीं कर सकते। जो सूरत हाल है इस बहुत डिफिकल्ट है जनाब पाकिस्तान के लिए, इसमें डिफिकल्टीज हैं। अपडेट्स अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।